जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटेक एजुकेशन पर। मैं मोहन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि फिक्स्ड बेड कैटालिटिक क्रैकिंग क्या होती है। आज हम बात करने वाले हैं मूविंग बेड कैटालिटिक क्रैकिंग के ऊपर। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके बाद आपके लिए मूविंग बेड समझने में बहुत आसानी होगी। ऑलराइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसका नाम पहली बात मूविंग बेड कैटालिटिक क्रैकिंग क्यों रखा गया। क्या होता है, जो मूविंग वाला सीन है, इसमें जो कैटलिस्ट है हमारा, कैटलिस्ट ऑलमोस्ट जो वाटर रहता है ना, वाटर के जैसे फ्लो हो रहा है यहाँ पर। क्यों, कैसे फ्लो हो रहा है, क्योंकि जो कैटलिस्ट है वो बहुत ही फाइन पाउडर फॉर्म में यहाँ पर हमको यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे होगा वो अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले वही प्रोसेस है, इसकी वर्किंग में आपको क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। क्या होगा, ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर प्री हीटर है। प्री हीटर में क्या किया हमने, सबसे पहले ऑयल फीड किया। तो ऑयल जब हम प्री हीटर के अंदर फीड करेंगे, तो जो ऑयल था ये हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर ऑफ ऑयल, जो ऑयल था उसका वेपर बन जाएगा। ऑलराइट, अब आप देख पा रहे होंगे ये एक चैम्बर है। इस चैम्बर का जो टेम्परेचर है वो 600 डिग्री सेल्सियस मेंटेन्ड है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, कैटलिस्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कैटलिस्ट है जो कि बिल्कुल फाइन है, मीन्स बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में ये कन्वर्टेड है। तो यहाँ से देखो, इस वाले से क्या जाएगा, वेपर ऑफ ऑयल जा रहा है, इधर की डायरेक्शन से हमारा क्या है, कैटलिस्ट आया, मीन्स कैटलिस्ट इस चैम्बर से कैटलिस्ट आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पर आप देख पा रहे होंगे कैटलिस्ट प्लस वेपर आपको दोनों एक साथ मिल रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, इस कैटलिस्ट और वेपर्स को दोनों को रिएक्टर, जो कि हमारा 500 डिग्री सेल्सियस पर है, उसके अंदर आपने इसको छोड़ दिया। ठीक है, रिएक्टर नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, इसके अंदर कुछ रिएक्शंस होगी। ठीक है, तो जो यहाँ से हमारा कैटलिस्ट प्लस वेपर ऑफ ऑयल जो हमें मिला था, उसको हमने रिएक्टर के अंदर छोड़ा, यहाँ पर कुछ रिएक्शंस इसमें होगी। रिएक्शंस होगी तो आप बोल रहे हैं, सोच रहे होंगे कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो ये हमारा साइक्लोन है। साइक्लोन है, इस साइक्लोन का क्या काम है, इस साइक्लोन का काम है कि केवल और केवल ये ऐसे वेपर्स को, जो क्रैक्ड वेपर्स है, उसी को अलाउ करें यहाँ से पास होने के लिए। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है वाइवा वगैरह में कि साइक्लोन का क्या काम होता है। तो साइक्लोन हमारा जो होता है वो ऐसा बोल सकते हैं हम, डिवाइस रहता है एक प्रकार का, जो कि केवल और केवल क्रैक्ड वेपर्स को ही अलाउ करे यहाँ से पास होने के लिए। जो रिएक्टर रहेगा, रिएक्टर से केवल और केवल क्रैक्ड वेपर्स को ही निकलने देगा, जो कि हमारे कहाँ जा रहे हैं, आगे जाके हमारे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर जाएंगे। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, साइक्लोन है, ये भी साइक्लोन है, आप देख पा रहे होंगे। तो प्रोसेस समझ में आई, क्या किया हम लोगों ने, जैसे कि मूविंग फिक्स्ड बेड में हमने किया था, पहले उसको हीट किया था, फिर कैटलिस्ट के साथ उसकी रिएक्शन कराई थी, ऐसे कैसे यहाँ पर पहले हमने इसको प्री हीटर में हीट किया, फिर कैटलिस्ट यहाँ से आया पाउडर फॉर्म में, कैटलिस्ट और वेपर की जब साथ में रिएक्शन हुई रिएक्टर के अंदर, और फिर यहाँ पर जो साइक्लोन है उसने केवल ऐसे वेपर्स को अलाउ किया जो कि क्रैक्ड हो चुके हैं अपने अंदर पास होने के लिए, और जो क्रैक्ड वेपर्स हैं हमारे वो हमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर जाएंगे। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या होगा, हमारे जो हेवी ऑयल्स थे वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, हेवी ऑयल्स हमारे अलग हो जाएंगे, और जो लाइट फ्रैक्शन थे ऑयल के, वो उनको हम कूल करके गैसोलीन प्लस कुछ डिजोल्व गैसेस के फॉर्म में हमें वो मिल जाएगा। ठीक है, हेवी ऑयल अलग हो गया, यहाँ से जो लाइट फ्रैक्शंस बचे थे वो यहाँ पर हमने कूल किया कूलेंट की मदद से, जिससे गैसोलीन प्लस गैस बन गया। अभी गैसोलीन प्लस गैस का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन को हमने स्टेबलाइजर से पास किया, ये स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर का काम क्या है, गैसेस और गैसोलीन को अलग-अलग कर दिया इसमें। क्लियर है, तो ऑलमोस्ट जो प्रोसेस है मूविंग बेड वो हमारी सिमिलर है किसके, फिक्स्ड बेड की। जो मेजर डिफरेंस यहाँ पर है वो ये है कि यहाँ पर जो कैटलिस्ट है हमारा, ठीक है, जो कैटलिस्ट है वो क्या पाउडर फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है, और ये पाउडर फॉर्म एज फ्लो जैसा एक्ट कर रहा है, ये फ्लो हो सकता है। ठीक है, अब ये तो हो गई बात की बात, लेकिन क्या होगा, आप जब जानते हैं
एक लिमिट के बाद कैटलिस्ट की एफिशिएंसी खत्म हो जाती है, मीन्स आप कैटलिस्ट को यूज़ करे जा रहे बहुत टाइम हो गया। जब आपने कैटलिस्ट को यूज़ कर लिया तो पूरा ख़राब हो जाएगा, अब आपको उसको रीजनरेट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, जो हमारा कैटलिस्ट है, जो बेटर मतलब उस पर क्या होगा, कार्बन की लेयर जम चुकी होगी, तो वो हेवी हो चुका होगा, जो पाउडर फॉर्म जो था वो हेवी हो चुका होगा। तो उसको हम ब्लोअर की मदद से क्या करेंगे, मोशन में लाएंगे, रैंडम मोशन में अंदर उसको हम कराएंगे, किसकी मदद से, ब्लोअर की मदद से, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम इसको रिजनरेट करते हैं, किसको, कैटलिस्ट को, किसकी मदद से, ब्लोअर की मदद से, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस थी मूविंग बेड कैटालिटिक क्रैकिंग की, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, एंड इसकी जो थ्योरी है वो मैंने यहाँ पर लिखी है, तो आप, मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ जिससे कि और अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। मूविंग बेड कैटालिटिक क्रैकिंग में क्या होता है, जो कैटालिटिक क्रैकिंग में हम फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे कि वो एक फ्लूइड सिस्टम जैसे हम उसको देख सकते हैं, और जो पाउडर है हम उसको ब्लोअर की मदद से आसानी से पंप कर सकते हैं, जैसे कि कोई लिक्विड को पंप करते हैं, ठीक है। अब ये मेथड जो है हमारा, इसमें क्या होता है, ये तो ऑयल हमारा जो है वेपर फॉर्म में, दूसरा कैटलिस्ट हमारा पाउडर फॉर्म में, तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के अंदर कॉन्टेक्ट आएगा और मिक्सिंग आसानी से पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो ऑप्टिमम कंडीशन है, मैंने आपको प्रीवियस में भी बताई थी, यहाँ पर भी लिखी है। जो कैटलिस्ट है हमारा Al2O3.SiO2 हो सकता है, जिसको हम गैस की मदद से इग्नाइट करते हैं। टेम्परेचर जो होगा हमारा, टेम्परेचर कुछ 550 के समथिंग हो सकता है, 550 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर जस्ट अबव नॉर्मल प्रेशर, प्रेशर हमको ज़्यादा नहीं रखना है, नॉर्मल प्रेशर से ज़रा सा ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो ये सारी वही थ्योरी लिखी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी है, आप पढ़ सकते हैं, और ठीक है, कोई भी डाउट से तो आप हमसे ज़रूर कंसल्ट करें। एंड अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।